हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं अपना ये इस मंथ का फर्स्ट ओवरव्यू लेके आया हूँ। देखिए फिलहाल मेरा गार्डन में, यहाँ देखिए पूरा कितना इतना बड़ा बड़ा लीफ हुआ है। ये तारो लीफ देखिए, कुछ दिन पहले मैं हार्वेस्ट किया था, अभी देखिए कितना सारा हुआ है। यहाँ नीचे से पूरा जंगल बन गया। और ये चिल्ली, और ये चिल्ली में देखिए, यहाँ यहाँ ऊपर देखिए, ये ऊपर यहाँ पे, ये देखिए सनलाइट नहीं आता है यहाँ पे, ये उसके वजह से। तो यहाँ देखिए कैसा हालत हो गया चिल्ली का। और इसी प्लांट में जहाँ पे सनलाइट मिलता है, यहाँ देखिए चिल्ली। तो चिल्ली प्लांट को सनलाइट का बहुत ज़रूरत होता है। यहाँ देखिए सनलाइट कम हुआ तो चिल्ली का प्लांट का हालत ऐसा हो गया। तो चिल्ली को सनलाइट का बहुत ज़रूरत होता है। और यहाँ देखिए, यहाँ शायद चिल्ली पक भी गया है मेरा नया वाला। ये देखिए ये पक गया, इधर भी शायद कुछ पक गया। ये देखिए यहाँ पे भी है, ये नया वाला प्लांट है। और ये पुराना में तो बहुत बार हार्वेस्ट कर चुका हूँ। और यहाँ देखिए पूरा पक गया। मैं इसका हार्वेस्टिंग वीडियो भी आप लोग से शेयर करूँगी। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए सनलाइट में इतना अच्छे से फ्रूटिंग होता है। और ये देखिए इसमें मेरा फ्लावर आने लगा है, ये नाइट साइड बोलता है इसको। ये मेडिसिनल प्लांट है, इसका थोड़ा हल्का खट्टा होता है। और इसका जो लीफ है, ये वेजिटेबल बना के भी इडेबल है, वे खा सकते हैं वेजिटेबल कुछ डिश बना के। मेरा बच्चों को बहुत पसंद है इसका फ्रूट, इसलिए मैं हमेशा इसको ग्रो करता हूँ। तीन है मेरे पास फिलहाल। तो यहाँ देखिए, उस दिन मैंने ये पम्पकिन का हार्वेस्टिंग किया था, पम्पकिन शूट्स का लीफ का। तो देखिए ये नया शूट आया है। और यहाँ से दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ से मैं उस दिन यहाँ से कट किया था। ये देखिए तो ये सब है नया सूट। यहाँ तो बहुत बड़ा हो गया सूट, देखिए पूरा ऊपर यहाँ पहुँच गया है। और एक यहाँ पे भी है। तो बारिश के वजह से पूरा वो हो गया। यहाँ पे मैंने देखिए थोड़ा धनिया ग्रो किया हूँ, अभी पता नहीं जर्मिनेट तो हो गया है, तो ये अभी बढ़ेगा या क्या होगा रिजल्ट दिखाता हूँ आप लोग को भी, जो भी होगा। तो फिलहाल मेरा ये इसमें एक भी फ्लावर नहीं है अपराजिता में। तो यहाँ देखिए हवा से क्या कर दिया पूरा। ये मेरा एक जो बोलता है बेर एप्पल जो बोलता है, उसका प्लांट है। इसमें भी फ्लावरिंग हो रहा था। ये देखिए ये शायद इसका फ्लावर है, नीचे भी बहुत। ये देखिए अभी देखना है इसमें फ्रूटिंग बनेगा कि नहीं। इसको थोड़ा उस साइड कर दो, करो
मालाबार देखिए मेरा, ये मालाबार को जितना आप हार्वेस्ट करोगे उतना अच्छे से ये साइड ब्रांचेस आते रहते हैं। यहाँ पे देखिए करेला, ये भी पता नहीं कीड़ा पूरी जल्दी कट कर देता है, कीड़ा लग जाता है ये गर्मी में, इसमें नहीं लगा है। और भी छोटा छोटा बहुत सारा करेला है देखिए। अभी गर्मी है तो कीड़ा लग जाता है, तो मैं करेला में उतना ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ। बहुत फ्रूट फ्लाई है ना, फ्लाइस आके कट कर देता है और येलो हो जाता है, तो बढ़ता भी नहीं है, कट करने पर कीड़ा निकलता है, इसलिए मैं करेला पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। और यहाँ देखिए ये मेरा मालाबार ग्रीन, और ये भी मैंने लास्ट टाइम कट कर दिया था नीचे से पूरा, देखिए अब कितना अच्छे से न्यू ग्रोथ हो गया है इसका, इतना बड़ा हो गया। और चिल्ली का यही है देखिए, सनलाइट नहीं मिलता है तो इस तरह का कुचुक का हो जाता है। यहाँ का तो मैंने निकाल भी दिया, ऊपर से कट कर दिया, इसके वजह से सनलाइट नहीं मिलता है। और ये देखिए ये मेरा कितना सुंदर, इसमें मैं सिर्फ राइस धोया हुआ चावल का पानी होता है ना वही मैं देता हूँ। देखिए बहुत सुंदर हुआ है। और ये देखिए ब्रोकली, एक ही ब्रोकली आ पाया, मैं लेट लगाया था तो बाकी का तो सभी लीफ आया, फिर भी ये भी एडिबल है। ब्रोकली का साग बहुत टेस्टी होता है, और इसको जब बनाता है तो राई का साग जैसा इसका खुशबू स्मेल आता है। और यहाँ पे भी यही कद्दू, कद्दू तो मैं लीफ के लिए लगाता हूँ, ये मालाबार देखिए ये सब कद्दू का लीफ है। तो यहाँ देखिए अरबी, और ये देखिए, और ये मैंने वही सब्जी में आया था तो उसी से मैं उठा के लगा दिया था, दो तीन था सीट तो वही सुखा के लगा दिया था। तो अभी देखना है इसमें क्या फ्रूटिंग होगा, क्या होगा, कैसा होगा, सेम है ये, पता नहीं कैसा होगा। पम्पकिन देखिए, पम्पकिन का लीफ पूरा, मेरा ये ग्रीन अमरंथ का जो प्लांट था उसी के ऊपर पूरा चढ़ गया है। और यहाँ पे मैंने ये बीन्स लगाया है, लॉन्ग बीन्स, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पे भी देखिए, मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ लगा देता हूँ जो मिलता है, अच्छा लगता है हुआ तो। देखिए मालाबार तो इतना सुंदर होता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है, देखिए कितना सुंदर। मेरा इतना छोटा बालकनी है तो फिर भी कुछ ना कुछ लगाने का ट्राई करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग के पास भी है तो लगा दीजिए। यहाँ देखिए ये सब हवा की वजह से, बहुत बारिश हो रहा है बेंगलोर में और इसलिए हवा से पूरा ये ऐसा मटक गया, ये देखिए टूट भी गया, देखिए जंगल बन गया पूरा मेरा बालकनी। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग, आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।